हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर। गाइस क्या समझे? समझ रहे हो? अरे भाई, साथ में हम लगा सकते हैं, जो बात है सिगरेट की तरह हमारी औकात है नहीं, बीड़ी भी पी सकते हैं, तो उससे मेरा क्या फायदा। लेकिन भाई साहब, आज हम इसका ऐसा जुगाड़ करेंगे कि भाई साहब भूल जाओगे ये चीज पीना, तुम सेहत बनेगी आपकी। तो गाइस बहुत मजा आएगा, छोटा सा इंट्रो करते हैं, सीधा टॉपिक पर चलते हैं। चलिए समर एक्सपेरिमेंट। हाँ तो गाइस, इंट्रो देख लिया, बूम बजाया, चला। खैर जो बात है गाइस, फटाफट टॉपिक पर चलते हैं। तो भाई पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप जानते हो गाइस, मैं इसका थंबनेल लगा दूंगा, ये वाले गाइस वीडियो बनाई थी, काफी लोगों ने पसंद करा, बहुत मजा आया। लेकिन भाई आज बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक होगा। चले गाइस फटाफट, मतलब कोई भी एक लाइटर चुनते हैं। पहले गाइस मैं आपको लाइटर दिखा दूं, कैसे कैसे क्वालिटी के लाइटर आ गए आजकल मार्केट में। भाई यहाँ पर आप चार तरह के लाइटर देख सकते हो, ये गाइस चारों अलग अलग है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो भाई ये ढक्कन वाला भाई साहब, ठीक है चलेगा, ये बढ़िया भाई। मैं थोड़ा कितने तेज़ भाई बुझेगा, नहीं कि बुझ गया, बेइज्जती करनी थी ना। ये ऐसे चल रहा है, चलो ये चल रहा है सिंपल, और ये भी सिंपल चल। लेकिन इनमें फ़र्क क्या देगा, इस इनके साइज में फ़र्क है, इनका शेप बिल्कुल अलग अलग है, ये पतला है, ये मोटू है, मोटू पतलू, ठीक है। और भाई ये भी अलग है, देखो ये रहा, ये भी ऐसे चलता है, ठीक है। चलो भाई अब इनमें से कोई भी लाइटर ले लेंगे। मैं गाइस ऐसा लाइटर लूंगा जो आपको आसानी से मिल जाए, ये नहीं मिल पाएगा, हो सकता है ये नहीं मिले, पर ये गाइस पुराना लाइटर, ये काफी आसानी से मिल जाएगा। तो भाई हम इस वाले लाइटर को ले लेंगे। तो भाई लोगों सबसे पहले इसकी गैस निकालो, जो कि बहुत प्यार से निकल जाएगी। ओह शिट, नहीं निकल रही। गाइस जब सीधी उंगली से काम ना चले ना, तो स्क्रू ड्राइवर ले लेना चाहिए, इससे चल जाएगा। ओ इससे थोड़ा सा हम प्यार से होल्ड करेंगे। ओ भाई कितनी ठंडी ठंडी लगी हो, बर्फ जमा दिया, सॉलिड बर्फ है भाई, जो बात है थोड़ा सा अपना आप साइड। देखो ये कई खाता। तो गाइस सबसे पहले भाई से खोल लेते हैं, वही अपना काम, आप जानते हो गाइस हमें करना क्या है। वाह भैया इसके निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें फिलहाल जरूरत नहीं है, साइड में रखो, इसकी भी जरूरत नहीं है, ये रहा इसकी भी जरूरत नहीं है। ओ भाई इसे भी खोल लेंगे। वैसे गाइस इसे खोल के भी हम इसकी गैस निकाल सकते थे भाई, पक्का, आई एम नॉट जोकिंग। तो गाइस ये है फिलहाल इसकी बॉडी। हाँ तो गाइस फटाफट हम इस एरिया को यहाँ से कट करेंगे। गाइस देखो भाई, टूटा ब्लेड, तो भाई ये बहुत बेकार, देखिए निकालता हूँ, देख भाई ये रहा, देखो ये रहा, ये क्या है। तो भाई साहब यहाँ भी नाक पाक लगा, सेफ्टी गाइस फर्स्ट प्रायोरिटी, सेफ्टी जरूर होनी चाहिए। तो गाइस बूट तो लगभग कंप्लीट, यहाँ मैंने 6 mm होल किया है समर, हमें तो पता ही नहीं थी। अब गाइस ये है चार्ज मॉड्यूल, जो कि है टाइप सी, हम जैसा ही है। तो भाई हम इसे ऐसे भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं। तो भाई इसके ले रहा हूँ मैं ये पैड, देखते हैं निशान कैसा आएगा, निशान अच्छा आना चाहिए, जो बात है। और भाई साहब वाह बिल्कुल बनाई, एक तरीका और है। तो भाई हम एक जुगाड़ अपनाएंगे, अगर ये काम कर जाए तो कोई माय गॉड। चलो भाई अब देखते हैं क्या होता है। वाह लग गया, देखो ये नी लाइन कटेगी। तो लीजिए गाइस ये काफी मस्त लग चुका है। पिछले बार गाइस मैंने इसे हॉरिजॉन्टल लगाया था, इस बार गाइस मैंने तो वर्टिकल लगाया है। मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ रोड ब्रांड की बैटरी। गाइस पहले मैंने छोटी छोटी दो बैटरी का यूज किया था, जो कि थोड़ी सी कम पावरफुल है। और भाई आप चाहो तो ये 200 mAh की बैटरी आप इसका भी यूज कर सकते हो। मैं गाइस यूज कर रहा हूँ 250 mAh, यानी 250 mAh की बैटरी है, जो गाइस मस्त। वैसे गाइस ये कोई जोनी मेरे पास है तो मैं यूज कर रहा हूँ, आप गाइस ये वाली मार्केट से ला सकते हो, आप इसका भी यूज कर सकते हो, जो भी इसमें फिट आ जाए। ये गाइस मैंने अपने माइक से निकाली, क्योंकि गाइस मेरे बाइक में थोड़ी सी गड़बड़ कर रही थी, लेकिन वैसे ओके है। चलो भाई फटाफट से लगाते हैं, उससे लगाना सुपर इजी है। भाई ये बिल्कुल फिट देख रहा हूँ, ठीक है। तो इसके भाई फटाफट कनेक्शन करते हैं, मस्त। अब गाइस यहाँ पे लेंगे 2 micro switch, भाई दोनों स्विच अलग अलग है। गाइस ये प्रोजेक्ट बिल्कुल अलग होने वाला है, आपको लगे भाई सेम है, नहीं बिल्कुल अलग रही। गाइस ये रेड कलर का है, जो गाइस छोटा है, ठीक है, स्क्रू नॉब छोटी है, गाइस स्क्रू नॉब लंबी है, ये कितना फर्क है, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं, देखो भाई जस्ट डबल है। तो भाई इन्हें फिट करना है, और गाइस फिट करने काफी जगह है, वैसे हम यहाँ भी से फिट कर सकते हैं दोनों को एक साथ, क्योंकि भाई साहब जगह की काफी कमी है, हम यहाँ भी कर सकते हैं साइड में चाहूँ तो। गाइस तो साइड से बेहतर गाइस हम थोड़ा आगे करें, जिससे गाइस हमें थोड़ी आसान रहे चलाने में इसे। भाई कटिंग काफी मस्त हुई है, बेशक गाइस मुझे आधा घंटा लगा है, लेकिन ठीक है चल जाएगा। देखो ये इस तरीके से इसके अंदर आ जाएगा, और भाई साहब खैर ये ऐसे नहीं आएगा, बता दूं आपको, इसका गाइस तरीका थोड़ा और रहेगा, सोसो निकल भी रहा, घंघोर भी जती है, जो बात है। तो भाई स्विच हम बाद में लगाएंगे, अभी नहीं लगाएंगे, वरना गाइस दिक्कत हो जाएगी। तो भाई अब आते हैं इसके इस वाले पॉइंट पर, ये गाइस इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो भाई ये हम परमानेंट यहीं पर इसे रोक देंगे, यहाँ स्टड ग्रू लगा देंगे, क्योंकि हमें ये निकालना नहीं है, यहीं फिक्स होना चाहिए जैसा है। और भाई इसे निकाल लेंगे पहले, वरना गाइस ये भी चिपक जाएगा। हाँ ये भाई
लग जाएगा। ठीक है, तो अभी तो गाइस ठीक लुक आ रहा है जो बात है। अभी गाइस यहाँ पे इसके पॉइंट पर आते हैं। गाइस ये जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं पहले से भी बेहतर बना रहे हैं, मतलब इसमें और फीचर हम ऐड कर रहे हैं, मैं जानता हूँ। तो गाइस फटाफट नेक्स्ट कंपोनेंट पर चलते हैं। भाई यहाँ पर आप दो तरह के सोल्डिंग आयरन के एलिमेंट देख सकते हो। ठीक है, ये 35 वाट का, इसमें 10 वाट भी आता है, मैंने काफी दिखा दिया। ये 60 वाट का। अब काफी लोग कहते हैं समझ यार हमें नाइक्रोवान नहीं मिलता। भाई मतलब काफी लोग की शिकायत है, तो भाई इलेक्ट्रॉनिक कंपनी शॉप पर जाओ। ठीक है, जहाँ पे भी आयरन वायरन मिलते हैं तो गाइस वहाँ पर आपको इजीली मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। और आई थिंक ये 30 रुपए का या 25 रुपए का मिलेगा आपको। इसके अंदर गाइस आपको नाइक्रोवायर निकालना है। देखो भाई सर ये बिल्कुल बेहतरीन नाइक्रोवायर है, मतलब इतनी थिकनेस गाइस हमें चाहिए। तो भाई अभी फिलहाल मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट कर लूंगा, पता नहीं गाइस आपको दिखेगा नहीं दिखेगा। ये मैंने थोड़ा सा पार्ट लिया अभी, और भाई मैं इसे ऐसे रख दूंगा। या गाइस आप चाहो तो इसका नाइक्रोवायर लपेट कर एक जगह रख सकते हो फ्यूचर के लिए, कभी आपको काम में लेना हो। फिलहाल तो ये खराब हो चुका है। अब गाइस हमें इस पार्ट को हमें काटना है। अब गाइस जो भी एक्सपेरिमेंट करना है, जो भी चेंजेस करने हैं, हमें सब इसमें करने हैं। तो गाइस फटाफट नाइक्रोवायर को भी इसके अंदर फिट करते हैं, कैसे कैसे गाइस फिट होगा देखते रहो। तो लीजिए गाइस का बन चुका छोटा सा ये हीटर या एलिमेंट, मस्त बिल्कुल। ठीक है, अब भाई से लगाते हैं, और भाई ये ऐसे इसमें लग जाएगा। जितना गाइस आपको बाहर निकाल दे, बाहर मत निकालें, आप इसे अंदर ही रहने दें, यहाँ पे इससे गाइस ये चिपक जाएगा। और गाइस अब इसे वापस लगा दो। तो भाई ये एलिमेंट इसके अंदर ही रहेगा, मोहब्बत से लगाना पड़ेगा ऐसे, वरना गाइस ये एलिमेंट लग गया। तो भाई आप इसे एडजस्ट कर सकते हो थोड़ा बहुत अगर आपको बाहर निकालना हो तो हल्का सा। ये भाई बिल्कुल मस्त हो गया है, बेहतरीन। ये हो गया गाइस एक काम। ठीक है, यानी कि एक जो हमारा इसमें फीचर था वो इसमें ऐड हो गया। अब गाइस इसमें दूसरा फीचर ऐड करते हैं, ये है भाई साहब ड्रोन मोटर, BLDC मोटर, जो गाइस काफी हाई RPM पे काम करता है। तो भैया मैं इसे यहाँ पे फिट करूंगा दूसरी साइड, जहाँ पे इसका बटन था या जो भी आप इसे दबाते हो, ये गाइस इसके अंदर ही आ जाएगा। देखो इतना इसकी साइज है, तो भाई मैं फटाफट इसको भी इसके अंदर फिट करता हूँ। तो गाइस मैंने इसे अच्छे से लगा दिया है और इसे ग्लूगन से चिपका दिया नीचे से भी। वैसे गाइस अगर मैं चाहता खाली शाफ्ट बाहर निकाल सकता है, लेकिन भाई ये प्लास्टिक काफी मोटी है, इसकी शाफ्ट काफी छोटी है। वाह मोटी और छोटी है, तो भाई मुझे पूरा निकालना पड़ा मोटर, देख सकते हो इस तरीके से लगा दिया। खैर ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चले गाइस अब फटाफट की फिटिंग करते हैं। और भाई ये स्विच का यानी कि सारे कंप्लीट मैं इसकी फिटिंग करता हूं। तो लीजिए गाइस ये लगभग कंप्लीट हो चुका है, मतलब अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी गाइस थोड़ी सेफ्टी इसकी बढ़ाएंगे, अभी से भी कवर करेंगे। और देखिए गाइस यहाँ पर ये स्विच है, भाई ये भी जिम में रखा जाएगा लाइटर, तो गाइस ये स्विच दब सकते हैं, बटन दब सकते हैं, तो भाई ये चालू हो जाएगा, उसका भी अभी देखना है। तो भाई सबसे पहले हम इसको ऊपर से कवर करते हैं। तो गाइस कवर करने काफी सारे तरीके हैं, अगर आपके पास ऐसी कोई दूसरा लाइटर पड़ा है कलर का उसे काटो और इसके ऊपर लगा दो। लेकिन भाई साहब सपोज कोई नहीं है तो हमारे पास दूसरा आइडिया है। और भाई ये है बोतल, वेस्ट बोतल है, अगर आपको ग्रीन कलर मिल जाए तो और भी अच्छा, मतलब जिस कलर का आपका लाइट होगा उस कलर की मिल जाए तो अच्छा लगेगा। वैसे गाइस ठीक है व्हाइट कलर तो सदा बाहर है। तो भाई फिलहाल तो स्टिक हटा देते हैं। भैया हमसे तो यही नहीं कट पा रही, क्या हो गया? पूरा एक्स्ट्रा काट लेंगे बाद में, जो है ना कैंची से कर लेंगे। और भाई इसकी एक खास बात है कि ये पहले से ही बैंड है, तो वैसे लगाना काफी ईजी है, बस ऐसे मार्क लगा लेंगे जिससे गाइस ये हम काट सके, वैसे एक्स्ट्रा काटेंगे। ये बड़े निकला जब आते, क्या मस्त फिटिंग आ रही है बॉस। सबसे बढ़िया कि भाई बैटरी रुक जाएगी इससे, और भाई साहब ये भी रुक जाएगा इससे। ये मारा, ओ ओ माय गॉड, ओ भैया हाथ पे लग गया, ये भाई कहीं नहीं जाने वाला। ये काफी मस्त लग रहा है जब आता है। तो भाई इसकी खास बात है इसने इसकी शेप ले लिए, और भाई उठ भी न रहा, देखो साइड में देख सकते हो। अब आते हैं भाई इसकी सेफ्टी पर कि भाई अगर जेब में रहेगा तो गाइस बटन दबने के पूरे पूरे चांस है, वो कैसे रुकेगा? तो गाइस इसका काफी सिंपल सा जुगाड़ है। ये गाइस एक टुकड़ा है जो कि मैंने इसी को तोड़ा था, तो गाइस इसमें से थोड़ा सा पीस काट कर जुगाड़ कर गाइस मैं लगाने वाला हूं, देखते रहो इसमें क्या करता हूं। तो गाइस यहाँ पे एक शील्ड लगा दिए, एक तरह की दीवार खड़ी कर दी है। और गाइस अब ये नहीं दबेगा, देखो अगर मैं ऐसे भी करता हूँ ना, देख गाइस ये ऐसे भी नहीं दबेगा, ये गाइस इससे अलग है।
कुछ भी नहीं दबेगा, ये गाइस सेफ रहेंगे। तो गाइस दोनों में डिफरेंस है, अगर दोनों सेम होते तो गाइस दबाने में दिक्कत होती। अब गाइस ये छोटा है, ये बड़ा है। अब आते हैं भाई इसकी प्रोपेलर पर। तो भाई ये रही इसकी प्रोपेलर, ठीक है। अब गाइस दिक्कत ये कि देखिए मैं इसे यहाँ लगा दूं, ये बड़ा लग गया। लेकिन भाई साहब ये प्रोपेलर टूट जाएगा अगर आपको उसकी जरूरत नहीं है फिलहाल। ये सर्दी अभी तो फिलहाल गर्मी है और गाइस आपको उसका यूज नहीं करना, तो गाइस आप इसे निकाल कर जेब में थोड़ी रखोगे, मतलब अलग थोड़ोगे। तो गाइस कोई ऐसा जुगाड़ होना चाहिए जो भाई इसके साथ लग जाए। तो चलेगा इस सिंपल सा जुगाड़ देखते हैं। तो भाई मैंने एक छोटी सी की ले ली है, ले जा भाई साहब, क्या मस्त लग रहा है, बिल्कुल अलग। जैसे कि पतला ना, इतना का इस पतला ने रखा है, देखिए। और भाई हाथ में चुप भी नहीं रहा, देखो गाइस हमने इसके जो नुकीलापन है ना वो खत्म कर दिया शार्पनेस। भाई अगर आपको जरूरत है तो गाइस प्रोपेलर यहाँ लगाइए, हवा लेनी है इससे, हवा खानी है इससे यहाँ लगाइए, जरूरत नहीं है निकाल लो इसे। और भाई साहब यहाँ लगाइए, देखिए ये ऐसे यहाँ रुक जाएगा, ये मस्त, ये यहाँ चलेगा नहीं, चलेगा यही, ठीक है। अब गाइस निकाल के फटाफट इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो भाई ये प्रोपेलर ऐसे लग जाएगी, देखिए थोड़ा सा, ठीक है ये लग गई मस्त। लेकिन गाइस इसे चलाने से पहले हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं कि भाई ये चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो भाई लगाते हैं इसमें चार्जर, देगा इसे भाई अलग ही दिख रहा है, रेड कलर की एलईडी है, जब भी फुल रिचार्ज हो जाएगा तो ग्रीन कलर हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस आपने देखा ये रिचार्ज हो रहा है, यानी गाइस रिचार्ज है, इसमें रिचार्ज है बैटरी है। तो गाइस आप कितनी बार इसका यूज कर सकते हो, आप इसे रिचार्ज कर सकते हो। और बैटरी गाइस पहले से काफी पावरफुल मैंने इसके अंदर लगाई है, पहले के मुकाबले ये काफी अच्छी चलेगी। चलेगा फटाफट इसका फैन यूज करके देख लेते हैं। तो गाइस जो ब्लैक कलर है इससे फैन चलेगा, ओह भाई देखें, ओ भाई काफी तेज है वापस, देखिए पता नहीं गाइस आपको मेरे बाल उड़ते भी दिखाई दे रहे होंगे, नहीं मेरे थोड़े से हाँ केड़े बाल हैं, ठीक है बढ़िया। ओ भाई साहब गाइस लेकिन मानिए इसकी हवा बहुत तेज है, आर्ट में बहुत तेज है, इसकी हवा भी बहुत तेज, भाई ड्रोन का मोटर सिंपल सी बात है। तो गाइस हवा काफी तेज है, तो गाइस आप इसकी हवा की आवाज सुन सकते हो, सुनिएगा। ये गाइस कोल्डिंग का रैप मैंने अभी छुटाया था बोतल में से, इसको देख लेते हैं, देखिए देखो देखिए देखो भाई दूर से देखिए, देखिए देखो भाई साहब देखो ना कहाँ तक आवाज आ रही है। और गाइस आराम से 1.5-2 मीटर तक आराम से हवा आपको लग जाएगी मस्त, हाँ थोड़ी कम लगे लेकिन लग जाएगी। तो भैया फैन तो इसका काफी मस्त है, ठीक है। अब आ जाएगा इसके लाइटर पर। तो गाइस ये अखबार, मेरे घर अखबार नहीं आता भैया, बाहर से लेकर आऊँ। तो भाई थोड़ा सा इसका रैपर ये फाड़ लेते, रैपर नहीं बल्कि थोड़ा सा पीस फाड़ लेते हैं और भैया इसकी बत्ती बनाते हैं, समझ रहे हो। अभी एक फिर से गाइस का आपको दिखाऊंगा, पहले गाइस इसका जो एलिमेंट है आपको चला के दिखाता हूँ, ये रेड कलर से जलेगा। तो भैया बटन दबाते हैं, देखिए ओ भाई साहब देख रहे हो मस्त। गाइस अखबार नहीं जलाते, एक काम करते हैं कुछ नया जलाते हैं, देख गाइस ये रहा फेक नोट, ये जला के देखते हैं। ये भाई थोड़ा सा मजा आएगा, थोड़ा सा ज्यादा हो गया वैसे, चलो देखिए भाई देखिए आराम चल रहा है, देखो कितने बज रहा, देखो भाई देखिए कुछ भी जलाओ और गाइस डायरेक्ट से आप बुझा भी सकते हो, इससे आग लगा भी सकते हो, तो गाइस ये आग लगा भी सकता है, फैन है एक बात और देखिए 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 तुरंत बुझ गया। तो गाइस जलाओ तुरंत कागज बुझा सकते हो, या अगर थोड़ी सी ज्यादा आग है तो गाइस उसे सुलगा भी सकते हो भाई। वैसे गाइस वीर सिगरेट वालों के लिए तो भाई वरदान है जो बात है, लेकिन खैर जो बात है गाइस पीना नहीं चाहिए, बहुत बेकार चीज है। तो गाइस अगर आप बाहर जाओ तो इमरजेंसी में और गाइस हवा नहीं चल रही आपको आग लगानी है, तो गाइस आप इससे आग लगाइए पहले और भाई इससे आप आग को आराम से बिना फूंक मारे अपनी हवा यूज करें आग को सुलगा सकते हो, यानी बढ़ा सकते हो, ठीक है आई थिंक ऐसी कहते हैं। एक बात और गाइस प्रोपेलर लगने के बाद ये जो कील हमने बनाई है, ये जो इसकी शाफ्ट बनाई है, ये नहीं निकलती बाहर, तो गाइस ये उंगली में नहीं लगेगी। तो गाइस आई होप ये जुगाड़ आपको अच्छा लगा, और रिचार्जेबल आप कितना इसका यूज कर सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो, नो गैस नो झंझट। तो प्लीज दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें हमारे इस वीडियो को, आराम से पॉकेट में रख सकते हो। तो थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।